यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि भैया कितना स्कोर, एक सेफ स्कोर है, कितने स्कोर पर हमें ये पर्टिकुलर एनआईटी मिल जाएगा, निमसेट 2024 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे एनआईटीज के अंदर जो टोटल सीट अवेलेबल है ना, तो आपको कितनी रैंक के अंदर कौन सी सीट मिल जाएगी, कौन सा एनआईटी मिल जाएगा। उसके अलावा मार्क्स वर्सेस रैंक पर भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। तो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं एनआईटीज के अंदर 813। अब जब मैं ये नंबर बोलता हूँ ना 813, तो बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि 813 तक मेरी कोई भी रैंक आएगी मुझे एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें एनआईटी तिरची, तो एनआईटी तिरची के अंदर टोटल 115 सीट अवेलेबल है, जिसमें जनरल की 45 सीट्स हैं, ओबीसी की 29 सीट्स हैं, एससी के लिए 16 सीट्स हैं, एसटी के लिए 8 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट हैं। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, वो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल 115 सीट हैं। अब यहाँ पर लेकिन जनरल वालों के लिए केवल 45 सीट ही है। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपकी 45 तक रैंक आएगी तभी आपको एनआईटी तिरची मिलने वाला है। लेकिन अगर आप वहीं पर ओबीसी वाले बच्चे को देखते हो तो सबसे पहले उसे काउंट किया जाता है जनरल कैटेगरी में, यानी कि उसकी एक से लेकर अगर 45 तक रैंक आई है तो उसे जनरल कैटेगरी के अंदर ही एनआईटी तिरची में सीट मिल जाएगी। तो उसकी जो ओबीसी की सीट है वो तो 29 की 29 अवेलेबल है, लेकिन वो बच्चा जनरल की एक सीट खा जाएगा। उसके बाद अगर आप ऐसे देखो कि एक सीट तो ओबीसी वाला बच्चा खा गया, तो यहाँ पर अब जनरल वालों के लिए केवल 44 सीट ही बची। तो अब यहाँ पर अगर किसी जनरल वाले बच्चे की 45 रैंक भी आती है ना, तब भी उसको एनआईटी तिरची नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन की वजह से काफी बुरी हालत है जनरल वाले बच्चों के लिए। इसी तरीके से आप अगर देखोगे सूरतकल के अंदर भी यही सेम चीज है। सूरतकल में टोटल 58 सीट्स हैं, जिसमें से जनरल के लिए केवल 22 सीट हैं। उसके अलावा ओबीसी के लिए 15 सीट हैं, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। देखो टोटल जनरल वालों के लिए कितनी सीट है, टोटल है 313 सीट। तो अगर आपके 313 के बाद 314 रैंक भी आती है तो आपको एनआईटी नहीं मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। और यहीं पर अगर आप कोचिंग वालों को देखो ना, तो 800 तक कोई भी रैंक आए वो आपका नाम, आपका पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, आपकी 800 रैंक आई अगर। और अगर आप जनरल कैटेगरी को, तो आपको कोई एनआईटी भी नहीं मिलने वाला 800 रैंक पे, पर वो आपका नाम, आपका फोटो यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा, और आप समझ भी गए होंगे कि 813 सीट्स अवेलेबल है लेकिन 813 रैंक तक में आपको कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन अवेलेबल है। और उसके अलावा थोड़ी सी कुछ चीजें और समझाऊंगा आपको जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, अगर आपको समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं है। देखो अब यहाँ पर एक चीज ये भी होती है, मान लो कोई एक बच्चा है जिसकी 25 रैंक आई, तो उसे तो तिरची, सूरतकल कोई भी मिल सकता है। लेकिन उसे तिरची चूज ना करके उसने MNNIT चूज कर लिया, क्योंकि वो उसके घर के थोड़ी पास पड़ रहा था इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर उसने MNNIT चूज कर लिया तो एक बच्चा जो जनरल वाला है ना वो यहाँ से हट गया। तो अब किसी की 46 रैंक भी आई है तब भी उसे तिरची मिल जाएगा, क्योंकि 44 बच्चे तो ले लेंगे इसको एनआईटी तिरची को। उसके अलावा एक सीट तो बची ही है और एक बच्चा चला गया था MNNIT में। तो जो एक बच्चा यही ऐसा है ना जिसकी 46 तक कोई भी रैंक है तो उसको एनआईटी तिरची मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन है जो आप इजिली कर सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं। तो टोटल ये सारा था सीट्स के बारे में। टोटल 813 सीटें हैं लेकिन जनरल वालों के लिए केवल 313 सीट हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको 313 तक रैंक लानी है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हो तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, आपकी जनरल वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो यार अगर आप किसी कारण बस रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, फिर चाहे वो आपकी यूजी डिग्री हो या पीजी डिग्री हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या, जहां से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे आपको यूजी डिग्री करना हो या पीजी डिग्री करना हो। जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज की डिटेल आ जाएंगी जिसे आप कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे वो प्लेसमेंट के बेसिस पर हो, चाहे फीस के बेसिस पर हो, या बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर हो, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो इस प्लेटफॉर्म के 2 मिनट
सेट सॉल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करके आपको बस थोड़ी सी कुछ डिटेल्स भरनी है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म खुद ब खुद सजेस्ट कर देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी के जो आपने चूज की है, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस ईएमआई में पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेंटोर भी मिलता है जो आपके एडमिशन से लेकर आपके प्लेसमेंट तक आपके साथ रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसके बाद अब आप समझदार हो, आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है तो ये प्लेटफॉर्म आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप इजिली वहां जाओ और वहां से जाके कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। और जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट ईयर एनआईटी पटना और एनआईटी कैलिकट ने एमसीए करवाना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ सीट्स घट गई हैं, है ना। तो अभी 813 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में अगर होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके अलावा निमसेट से रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज आती है, जो भी कुछ अपडेट आते हैं, वो सारे मैं आपसे वहां शेयर करता हूँ। उसके अलावा निमसेट एग्जाम के लिए कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो बहुत सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो ज्यादा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है निमसेट 2024 के लिए। सबसे पहले कट ऑफ क्या होता है, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता, तो बता देता हूँ। कट ऑफ एक मिनिमम वो नंबर है जिस नंबर पर आपको एनआईटी मिलता है, यानी कि उसके नीचे आपको कोई एनआईटी नहीं मिलेगा, तो जो मिनिमम नंबर होता है उसे हम कट ऑफ बोलते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बोलो कि मैं आपको सीधा कट ऑफ बता दूं क्या होगा, तो वो ये बताना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, हर पेपर हर साल डिफरेंट आता है, कभी इजी आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ लेवल का आ जाता है। तो जब पेपर अलग अलग आता है तो अलग अलग नंबर पर अलग अलग बच्चों की रैंक आती है। कभी कोई बच्चा 800 नंबर पर टॉप करता है, तो कभी कोई बच्चा 600 नंबर पर ही टॉप कर जाता है, यानी कि फर्स्ट रैंक 600 नंबर पर ही आ जाती है, डिपेंड करता है पेपर पर। अब मैं आपको थोड़े कुछ स्टैट्स दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर पर कौन सी रैंक आई है। तो अभी आपको यहां पर 2022 के सारे स्टैट्स नजर आ रहे होंगे, यहां पर आपको मार्क्स गिवन है, यहां पर आपको रैंक गिवन है, तो अब यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो कंपैरिजन करते हैं, जिसकी सेकंड रैंक आई है उसके नंबर कितने थे, 786 नंबर थे। उसके बाद जिसकी 72 रैंक आई है उसके नंबर कितने थे, 690 नंबर थे। नंबर कितने का डिफरेंस है, 96 का, और रैंक का कितना डिफरेंस है, टोटल 70 का। अब आपको यहाँ पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे आते हैं फिर आपको एक एक क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आएगी। जिसके 690 नंबर है उसकी रैंक है 72, उसके अलावा जिसके 656 नंबर है उसकी रैंक है 132। कितने नंबर का डिफरेंस है, 34, और रैंक का कितने का डिफरेंस हो गया, टोटल 60 रैंक का डिफरेंस हो गया। अगर उस बच्चे को यहाँ पर सूरत कल मिल रहा था तो यहाँ पर वो सीधा MNNIT पहुंच गया 34 नंबर में। 34 नंबर क्या होते हैं, आपने दो मैथ के क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, एक क्वेश्चन पे आपके 15 नंबर जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कैसे, 12 नंबर का तो क्वेश्चन होता है और 3 नंबर आपने -12 क्यों गवा दिए, तो टोटल आपने एक क्वेश्चन पे 15 नंबर गवाए। तो आपने दो क्वेश्चन रॉन्ग किए और आप एक नीचे एनआईटी में आ गए। और अगर आप देखो नीचे आपको और समझ में आएगा, जैसे कि एक बच्चे के नंबर थे 626 नंबर, उसके बाद एक बच्चे के नंबर थे 656, जिसके 656 नंबर थे उसकी 132 रैंक है, जिसको 626 नंबर थे उसके 226 रैंक है। आप यहां पर रैंक में डिफरेंस देख रहे हो, रैंक में ऑलमोस्ट दुगने का डिफरेंस हो गया, दुगने तो नहीं, दुगने तो थोड़ा कम है, लेकिन दुगने का डिफरेंस हो गया। कितना नंबर का कितना डिफरेंस है, केवल 30 नंबर का। दो क्वेश्चन गलत किए और वो तीसरे एनआईटी से पांचवें या छठवें एनआईटी पर आ गया। अब आपको यहां पर वैल्यू समझ में आ रही होगी कि कितनी ज्यादा वैल्यू होती है एक एक क्वेश्चन की। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप दो क्वेश्चन गलत करके आप दो एनआईटी नीचे आ सकते हो, या कई बार आपका जो आपका सिलेक्शन है वो भी आपके हाथ से जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और एक्यूरेसी आप कहाँ से सीखोगे, वो सीखोगे आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे देकर, एनालिसिस कर करके। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली तो आप जरूर ले लेना, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप कैसे भी पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग से पढ़ो, कोर्स लेकर पढ़ो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लो, क्योंकि अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और अभी से लो, ये मत सोचो कि लास्ट के एक महीने में ले लोगे, क्योंकि एक महीने में ये सारी चीजें आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आपको अभी से इंप्रूव करना पड़ेगी। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली और अगर आपको डाउट है कि कहां से टेस्ट सीरीज लें, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको बता दूंगा ऐसी कौन सी टेस्ट सीरीज है जो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगी और वो टेस्ट सीरीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, जहां पर रिजल्ट्स वगैरह भी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अब आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 2023 का इसी तरीके से नंबर और रैंक देखते हैं। तो जिसकी थर्ड रैंक है उसके 660 नंबर है। तो अब आप यहां पर देख रहे हो, जिसकी 2022 में सेकंड रैंक आई थी उसके कितने नंबर थे, 786, लेकिन यहां पर जिसकी थर्ड रैंक आई उसके कितने नंबर है, 660। यहां पर मतलब कम नंबर में अच्छी रैंक आ रही है, क्यों,
क्योंकि डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। जो 2022 में पेपर था वो काफी ज्यादा इजी पेपर था, बच्चों ने काफी ज्यादा उसमें अटेम्प्ट किए, काफी अच्छा स्कोर किया, तो ज्यादा नंबर पर ही रैंक आई, जैसे 786 नंबर पर दो रैंक आई। लेकिन अगर आप 2023 के पेपर को देखो तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो यहाँ पर कम नंबर पर अच्छी रैंक आई, जैसे 660 नंबर पर थर्ड रैंक आई है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो 660 से सीधे 490 नंबर पर 96 रैंक है ना। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, अभी आप यहाँ पर समझो, एक बच्चा जिसके 491 नंबर है उसकी 96 रैंक है, दूसरा बच्चा जिसके 454 नंबर है उसकी 169 रैंक है, देख रहे हो आप, दूसरे कॉलेज से सीधे चौथे कॉलेज में आ गया है ना, और नंबर का कितना डिफरेंस है 37 नंबर का केवल, यानी कि दो क्वेश्चन मैथ के गलत कर दो, एक क्वेश्चन आप इंग्लिश या रीजनिंग का गलत कर दो, आप दो कॉलेज नीचे आ गए, तो एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और आप स्पीड एक्यूरेसी ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा आपको जो टेस्ट से आएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। अब इसमें दो चीजें होती हैं, क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2022 का पेपर था, ये पेपर इजी पेपर था, और अगर इजी पेपर है तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, स्पीड। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो अगर आपको पूरे क्वेश्चन आते भी हैं तब भी आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर कोई 2023 जैसा पेपर है तो इसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, जहां पर आप पेपर कम अटेम्प्ट करोगे चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपकी टेस्ट सीरीज से आएंगी, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। अब आपको मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ क्या होगा। तो देखो, अगर इजी पेपर आता है, एकदम इजी पेपर आता है, तब आपको 600 नंबर मिनिमम लाने हैं, 550 से 600 भी चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है आप 600 नंबर ले आओ, कितना भी इजी पेपर आ जाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तब आपको एकदम सेफ साइड रहना है, आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, तब आपको लगभग 430 से 450 कुछ नंबर लाने हैं सेफ साइड रहने के लिए। उसके अलावा अगर हार्ड लेवल का पेपर आता है तो आप 350 से 400 नंबर पे भी सेफ हो, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, जो बच्चे उस टाइम पर पेपर दे रहे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पेपर में, तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में लानी है। देखो, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, 2023 के पेपर 490 रैंक नंबर पर 96 रैंक है, तो यहाँ पर 490 नंबर लाना टफ है, नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को उस वक्त कंट्रोल कर सकते हो जब आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप अपने दिमाग से निकाल दो, जितना कर सकते हो उतना करो, उसके अलावा जो आपने करा है उसे बस सही सही कर दो, जो आपको आता है वो सारा आप अटेम्प्ट कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इसलिए अब से आप इस चीज को मत सोचना कि अगर आप किसी कोचिंग में हो, आप टेस्ट दे रहे हो, तो अगर एक बच्चे के 700 नंबर आ रहे हैं और आपके 500 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअल पेपर में आप 550 नंबर ले आओगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए आप अपने ऊपर फोकस करो। केवल दो चीजों को याद रखो, जो आता है वो गलत नहीं करना, जो आता है वो अटेम्प्ट करना है और नई चीज सीखते जाना, सिंपल। और आपका ये पेपर में आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। उसके अलावा एक छोटी सी छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि हम एक सीरीज लाने वाले हैं, एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें 7 एपिसोड है, और 7 के 7 एपिसोड में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर, सारा कुछ प्लेसमेंट्स पर डिपेंडेंट होने वाला है। उस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी सीनियर के पास नहीं जाना कि भैया मैं क्या पढ़ूं, आपको किसी से ये नहीं पूछना कि मुझे प्लेसमेंट के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारा कुछ हम उन सीरीज में आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस सीरीज के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, अपना एक्साइटमेंट कमेंट में हमें जरूर दिखाना। और आपके लिए अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, सुबह 4 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, है ना, तो थोड़ा एफर्ट्स के लिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो ही जरूर लाइक करना, और कमेंट में बताना दूसरी वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। The day I die.